तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि शरणेन सद्धिं पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वा अप्पमादेन संपदेतब्बं आं वन्दे साधु 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 अपना सर्वांचे मी मनापासून या गुण गौरव सोहळा आणि धम्म देसनेमध्ये स्वागत करते. सर्वप्रथम या गुण गौरव सोहळा आणि धम्म देसना या कार्यक्रमाची भूमिका विशद करणं अत्यंत आवश्यक आहे. कारण नुकतंच आपण 4 डिसेंबरला सरांचा वाढदिवस साजरा केलेला आहे आणि मग तरी या कार्यक्रमाचे आणि धम्म देसनेचे आयोजन का करतोय हा असा प्रश्न सगळ्यांनाच पडला असेल. महामंगल सूत्तामध्ये एक गाथा आहे, गारवोच निवातोच संतुष्टीच कतन्युता कालेन धम्म सवर्णंग एतंग मंगलमुत्तमंग. गौरव करणे, नम्रता बाळगणे, संतुष्ट राहणे, केलेले उपकार स्मरणे आणि योग्य वेळी धम्मश्रवण करणे हे उत्तम मंगल आहे. उत्तम रीतीने पार पडलेल्या कार्याचे कौतुक केल्यामुळे किंवा गौरव केल्यामुळे त्या व्यक्तीमध्ये नवीन जोमाने काम करण्याची इच्छा निर्माण होते आणि समाजासमोर एक आदर्शही निर्माण होतो. कित्येक साहित्यिकांनी आयुष्याची व्याख्या वेगवेगळ्या प्रकारे केली आहे, पण मला 4 ओळी आठवतात. वी लिव्ह अँड वर्क अँड ड्रीम, इच वन हॅज अ लिटल स्केम, समटाईम्स वी लाफ, समटाईम्स वी क्राय, अँड डज द डेज गो बाय. तसे पाहिले तर मनुष्य जन्माला आल्यापासून मृत्यूकडे वाटचाल करत असतो आणि जन्ममृत्यूच्या हा मधला जो जी वाटचाल आहे, जो प्रवास आहे, तो सुखकर व्हावा हे स्वाभाविकच सगळ्यांना वाटत असतं. पण याकरता धम्माचे अधिष्ठान असणे आवश्यक आहे, तरच शील सदाचारयुक्त समाजाची निर्मिती होऊ शकते. व्यक्तिविकासासोबतच समाजाचा पण विकास होऊ शकतो आणि पर्यायाने देशाचा पण विकास होऊ शकतो. याचे एक जिवंत उदाहरण म्हणजे आज आपल्या सगळ्यांसमोर आहे, ते म्हणजे आजचे उत्सवमूर्ती माननीय श्याम तागडे सर, जे रिटायर्ड ॲडिशनल प्रिन्सिपल सेक्रेटरी मुंबई. आपण आज त्यांच्या जीवनप्रवासाबद्दल थोडक्यात मी तुम्हाला सांगते. तागडे सरांचा जन्म एरंटी नावाच्या एका छोट्याशा गावात झाला. वयाच्या 14व्या वर्षापर्यंत त्यांचं शिक्षण तिथेच झालेलं आहे. त्या छोट्याशा गावातही त्यांनी धम्म दीक्षा वर्धापन दिनाचा अनुभव घेतलेला आहे. 10वी 12वीपर्यंत
दहावी बारावी त्यांना जिल्ह्यामध्ये पहिलं स्थान मिळालेलं आहे. पुढे 82 ते 86 त्यांनी VNIT कॉलेज चोखामेळा हॉस्टेलला राहून त्यांनी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग केलं आहे. आणि त्या काळातच त्यांनी बुद्ध अँड इज धम्मा, बाबासाहेबांचा धम्म जे ग्रंथ आहे तो अत्यंत गंभीरतेने आणि गांभीर्याने अभ्यासला. 86 ते 91 त्यांनी व्याख्याता म्हणून काम केलेलं आहे आणि 91 ते IAS म्हणून सिलेक्ट झाले आणि ते आतापर्यंत प्रशासनिक सेवेमध्ये 2022 होते, कार्यरत होते. शालेय जीवनात शासकीय सेवेत अनेक ठिकाणी कधी कधी कठीण प्रसंगाचा सामना करावा लागतो, त्यासोबतच वैयक्तिक दुःखद घटनांनी पण त्यांना नामोहरम केलं, पण धम्माच्या अधिष्ठानामुळे आणि आंतरिक बळामुळे ते याचा सामना करण्यामध्ये यशस्वी झाले आणि बाबासाहेब आंबेडकरांच्या निर्देशानुसार आपण जीवन जगण्याचा त्यांनी निर्धार केला. सप्टेंबर 1999 जेव्हा ते नाशिकला पोस्टेड होते ॲज अ CEO, त्यांनी तिथे 10 दिवसाचं विपश्यना शिबिर केलं होतं आणि तेव्हा त्यांना आर्य अष्टांगिक मार्गाचं चांगल्या प्रकारे त्यांना अनुभूती झाली आणि सर्वांबद्दल त्यांच्या मनामध्ये मैत्रीभाव निर्माण झाला. आणि त्यांनी बाबासाहेबांच्या साहित्याचा आणि धम्माचा अभ्यास नेटाने सुरू केला. 14 ऑक्टोबर 1956 ही ऐतिहासिक धम्मक्रांतीनंतर बाबासाहेबांना काय अपेक्षित होतं, त्यांचा प्रमुख हेतू होता की अष्टांगिक मार्गाचं पालन करून माझे धम्मानुयायी जीवनाच्या सगळ्या क्षेत्रामध्ये प्रावीण्य मिळवतील आणि शील सदाचारयुक्त समाजाची निर्मिती करण्यामध्ये मदत होईल, विचारक्रांतीसोबतच आचारक्रांती होईल. पण सांप्रत आपल्या निदर्शनाला काय येतं, ज्या गोष्टी आपल्यासमोर येतात त्या अत्यंत धक्कादायक आहे. भगवान शब्दावरून निब्बाण, परिनिब्बाण, कर्मसिद्धांत, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म याच्याबद्दल या गोष्टीचं योग्य आकलन न करता उलट सुलट प्रतिक्रिया समाजामध्ये दिल्या जातात, ज्यामुळे समाजामध्ये धम्मविषयक बाबींबद्दल गोंधळ निर्माण होतो आणि अष्टांगिक मार्गाच्या पालन करण्यामध्ये अडचणी निर्माण होतात. आणि या अडचणी दूर व्हाव्यात आणि वास्तव समाजासमोर यावं याकरता सरांनी बुद्ध धम्म मिशन ऑफ बोधिसत्ता आंबेडकर हा इंग्रजी ग्रंथ 2004 त्याची रचना केली आणि तो प्रकाशित झाला. त्याचा अनुवाद त्याच्यानंतर मराठी आणि तेलुगू भाषेमध्येही झाला. समाधी या अष्टांगिक मार्गाच्या भागाबद्दल अत्यंत गैरसमजुती उहापोह आपण ऐकतच असतो आणि हा या गैरसमजुती दूर करण्याकरता सरांनी डॉक्टर आंबेडकरांची धम्म संकल्पना विपर्यास व वास्तव या मराठी ग्रंथाची रचना केली. 2002 प्रज्ञा मैत्री प्रतिष्ठान या संस्थेच्या माध्यमातून एक दिवसीय धम्म कार्यशाळा, धम्म प्रचारकांचे धम्म प्रशिक्षण शिबिर यांचा या प्रशिक्षण शिबिरांमध्ये त्यांचा सहभाग राहिला. हे एक दिवसीय अष्टशील उपोषित कार्यशाळा महाराष्ट्रात खेड्यापाड्यांमध्ये, महाराष्ट्राच्या बाहेर आंध्र, बिहार, लखनऊ या ठिकाणी पण आयोजित करण्यात आल्या होत्या. आणि या सगळ्या कार्यशाळांमध्ये सरांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा होता. खूपदा आम्ही विहारामध्ये पण आपल्याला वाटतं ना की IAS ऑफिसर आहे, पण त्यांना मी विहारामध्ये खाली बसून आमच्यासोबत जेवताना पण बघितलेलं आहे. तर त्यामुळे त्यांच्याबद्दलचं आमच्या मनामध्ये आदर आणखीन द्विगुणित होत गेला. करोना काळामध्ये सरांनी बुद्ध पौर्णिमा 7 मे 2020 प्रत्येक पौर्णिमेला धम्म प्रबोधन झूम मीटिंगवर सरांनी आत्तापर्यंत हे सुरू आहे. धम्म टॉक्स बाय श्याम तागडे IAS या नावाने हे सगळे व्हिडिओज अवेलेबल आहेत यूट्यूब चॅनलवर. 2003 सरांनी 8 प्रिसेप्ट्स हे मेडिटेशन थँक्स गिविंग टेम्पल सिंगापूर येथे त्यांनी अटेंड केलं होतं आणि त्याच्यानंतर सातत्याने थायलँड, ब्रह्मदेश अशा निरनिराळ्या ठिकाणी त्यांनी मेडिटेशनचे शिबिर अटेंड केलेले आहेत. धम्म प्रचार आणि प्रसार करण्याकरता एक स्थायी केंद्र असावं लागतं
आणि हे लक्षात घेऊन प्रज्ञा मैत्री प्रतिष्ठानतर्फे राजुलवाडी उंबरेड येथे बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय धम्म अकादमी, भिक्खू प्रशिक्षण केंद्र, पाली प्रशिक्षण केंद्र, रमाई सामाजिक आर्थिक आणि शैक्षणिक उत्थान केंद्र हे उभारण्याचा त्यांचा संकल्प आहे. याचं काम पण सुरू झालेलं आहे. बाबासाहेबांचं बुद्ध धम्म मिशन पूर्ण करण्याकरता उर्वरित आयुष्य आपण झोकून द्यावं असा सरांचा संकल्प आहे आणि तो संकल्प यशस्वी हो अशी मनोमन इच्छा आणि सदिच्छा आहे. तेव्हा सेवानिवृत्तीनंतर काय या प्रश्नाचं उत्तर आपण सर्वांना आपोआपच मिळालं असेल. आपण रोजच्या बातम्या वाचतो, आज इथे इतके मेले, आज तिथे असं झालं, आणि आपल्यासमोर फक्त त्याचे आकडे असतात, आपल्याला काही संवेदना नसतात. आपण नंतर ते विसरून पण जातो. रोजच्या वर्तमानपत्र उघडलं की आपल्याला या गोष्टी दिसतातच, पण संवेदना असल्या पाहिजेत, आपल्याला त्यांच्याशी आपण जोडता आलं पाहिजे हे पण आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे. आणखीन एक गोष्ट लक्षात घेण्याजोगी आहे. एक छोट्याशा खेड्यातून आलेला मुलगा आपल्या अंगभूत गुणामुळे मेहनतीने आणि धम्माचे अधिष्ठान घेऊन आय एस होतो, यशस्वीपणे भारतीय प्रशासनिक सेवेमधून निवृत्त होतो आणि प्रशासनिक सेवेमधले 31 वर्ष वेगवेगळ्या पदावर काम करून समाजाभिमुख पण काम करतो. जेवढं जमतं त्यांनी सगळ्यांना मदतच केली आहे. ही अत्यंत गौरवाची बाब आहे. आपल्याला याचं कौतुक वाटलं पाहिजे आणि याला आपण खऱ्या अर्थाने, कारण निस्वार्थपणे सेवा करणं खूप महत्त्वाचं आहे, आपल्याला काहीतरी मिळावं म्हणूनच लोक काम करतात असं खूपदा लक्षात आलं. कदाचित याला अपवाद असू शकतात, तर आपण याला खऱ्या अर्थाने पे बॅक टू सोसायटी असं म्हणू शकतो आणि त्यांचा आदर्श आपण सर्वांनी ठेवला पाहिजे. निवृत्तीनंतरचे त्यांचे जीवन धम्ममय सुखी हो आणि प्रज्ञा मैत्री प्रतिष्ठानला त्यांचं सतत सहकार्य मिळत राहो ही सदिच्छा व्यक्त करून मी माझे 2 शब्द पूर्ण करते. जय भीम, नमो बुद्धाय. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. श्याम तगड़े जी के साथ हमारा संपर्क बहुत दिन का है. हम उनको अच्छा तरह से जानते हैं. बहुत दिनों से उन्होंने इतना उच्च पद में रहते हुए भी इतना हाई एजुकेशन होते हुए भी उन्होंने अपना लाइफ को धम्म के रास्ते पे डेडिकेट किया, विपश्यना मेडिटेशन किया. सिर्फ अपने विपश्यना मेडिटेशन किया ऐसा नहीं है, वो बहुत आदमियों को विपश्यना करने के लिए प्रेरित किया और इससे इसके लिए मदद किया. और धम्म का कार्य में वो हमेशा अपना को समर्पित रहा और उन्होंने हमेशा सोचते हैं कि भारत जो बुद्ध भूमि है, इस धरित्री पे भगवान बुद्ध का जन्म है, बोधिलाप है और धर्म प्रचार किया और इस भूमि में भी परिनिर्वाण हुआ. इस देश से पूरा संसार में बुद्ध का समाचार, बुद्ध का संदेश फैला हुआ है. जिस देश से ये धम्म लुप्त हो गया, विलुप्त हो गया,
इस धरित्री पे कैसे वापस लौटेगा इसके बारे में हमेशा चिंतन करते हैं और प्रयास करते हैं, काम करते हैं उस श्याम तागड़े जी का आज इस कार्यक्रम में भाग लेने का जो हमको आमंत्रित किया और हमको मौका मिला इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ तागड़े जी को कि हमको आमंत्रित किया और बहुत बहुत अपना को भाग्यशाली समझता हूँ और आनंदित भी हूँ कि इस कार्यक्रम में मुझे भाग लेने के मौका मिला। आज नागपुर जो भूमि है, ये नागपुर भूमि ऐतिहासिक भूमि है। पहाड़ के पूरा संसार के जितना बुद्धिस्ट लोग है, बुद्ध का अनुयायी लोग है, ये लोग बुद्ध का रिलेटेड प्लेस जितना है, बुद्धगया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, राजगीर, वैशाली, जितना बुद्ध का रिलेटेड है इस स्थानों का बारे में उन लोग का मालूम है और जानते हैं। और साथ साथ बुद्धिस्ट होली प्लेस के साथ साथ ये नागपुर का नाम भी संसार के बुद्धिस्ट लोग जानते हैं। तो नागपुर पूरा संसार में बुद्धिस्ट लोगों में फेमस होने का एकमात्र कारण बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर। बाबा साहेब ने 1956 साल में लाखों लाखों आदमियों को धम्म दिलाया, धम्म दीक्षा दिया, इसलिए नागपुर एक तीर्थ स्थान का रूप में बुद्धिस्ट लोग देखते हैं और जानते हैं। बहुत फेमस हो गया, बहुत प्रसिद्ध हो गया नागपुर। तो इसी ऐतिहासिक स्थान में आज आके खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ और आज का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम बहुत इम्पोर्टेंस कार्यक्रम है और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। भारत भूमि में बुद्ध का वाणी, बुद्ध का देशना और बुद्ध का उपदेश एक समय लुप्त हो गया था। लुप्त होने के बाद आप लोग सबको मालूम है भारत में कोई जगह में मिट्टी खुदाई करना से बुद्ध का ही मूर्ति मिलता है, बुद्ध का ही अवशेष मिलता है और बुद्ध का सिंबल मिलता है और बाकी कुछ नहीं मिलता है, मिट्टी में दबा कर रखा था। इंग्रेजों ने आके मिट्टी का ऊपर ले आया, जो मिट्टी का नीचे था बुद्ध का वाणी, बुद्ध का सिंबल, बुद्ध का मूर्ति, ये सब धीरे धीरे मिट्टी का ऊपर आने लगा। जितना बुद्धिस्ट होली साइट्स है
बुद्धगया सारनाथ श्रावस्ती और भारत में का कोना कोने में सब इंग्रेजों ने वो डिस्कवर किया और दुनिया का सामने ले आया। सम्राट अशोक जिनका नाम भी भारत का आदमी लोग भूल गया था, दुनिया का इतना महान सम्राट, उनको भी इंग्रेजों ने डिस्कवर किया और उनका जो रॉक स्क्रिप्ट है इंग्रेजों ने पढ़ के दुनिया का सामने दिखाया। तो धीरे धीरे बुद्ध धम्म जो है रिवाइव होने लगा इंग्रेज का समय से, और बाद में श्रीलंका से आया अनागारिक धर्मपाल जी 1891 में, उन्होंने बहुत संघर्ष किया बुद्धिस्ट होली साइट्स को मुक्त करने के लिए। उनका अतय प्रयास से आज इतना दूर तक आया। इन लोगों के बात बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर बुद्धिज्म को रिवाइव करने के लिए अपना जिंदगी को समर्पित किया और उन्होंने बुद्ध का जो संदेश, बुद्ध का जो वाणी उपदेश और बुद्ध धम्म को इंडिया में पुनर्जागृत करने के लिए बहुत दूर तक काम कर दिया। हम लोग सभी जानते हैं बाबा साहेब 1956 साल 14 अक्टूबर का धम्म दीक्षा नागपुर में हुआ, ये हम लोग सब जानते हैं। लेकिन बाबा साहेब सभी को धम्म दिया 14 अक्टूबर 1956 साल, लेकिन बाबा साहेब खुद बुद्ध का शरण में आया, बुद्ध का अनुयायी बना 1952 में। 56 साल उन्होंने सभी को धम्म दिया, 1952 में बाबा साहेब और 101 आदमियों को लेके दीक्षा लिया था दिल्ली में, आर्यवंश भंते जी और श्रीलंका के सद्धातिश्य भंते जी के सामने। सेकेंड में 1952, तो बाबा साहेब कितना ईमानदारी थे इस बात से पता चलता है। 1950 में श्रीलंका राजधानी कोलंबो में एक इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस कॉन्फ्रेंस का मुख्य आयोजक थे जीपी डॉक्टर मालाला शेखर, बहुत बड़ा बुद्धिस्ट स्कॉलर था, इंटरनेशनली फेमस, विश्वविख्यात है डॉक्टर मालाला शेखर। उन्होंने बाबा साहेब को निमंत्रण दिया था
कोलंबो सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1952 में। तो बाबा साहेब सोचा था मैं बौद्ध धर्म दीक्षा नहीं लेके कैसे जाऊंगा, तो इसलिए बाबा साहेब कोलंबो कॉन्फ्रेंस में जाने के पहले 2 मई 1952 धम्म दीक्षा लिया था। तो अभी बाबा साहेब जो धम्म दिया सभी को, आज लगभग 70 ईयर से ज़्यादा हो गया, 70 साल से ज़्यादा हो गया धम्म दीक्षा हुआ, लेकिन इसके बाद बाबा साहेब ज़्यादा दिन नहीं रहा। अनफॉर्चुनेटली वो कालगत हुआ। होने के बाद तो जो होना था वो नहीं हुआ। जो बाबा साहेब कोलंबो में जाके डिक्लेरेशन दिया था कि भारत को हम बौद्ध भूमि बनाऊंगा, बौद्धमय बनाऊंगा, वो काम 70 साल बाद भी अभी भी नहीं हुआ। तो नहीं होने का कुछ कारण भी है। हम लोग इतिहास पढ़ के देखते हैं, जब श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार हुआ था, अरहंत महिंदा बांते के माध्यम से, जो सम्राट अशोक के बेटा था, अरहंत महिंदा बांते, उन्होंने श्रीलंका में जाके 3rd century BC में पहले राज परिवार को, श्रीलंका का जो राज परिवार देवानंग पियतिष्य, वो परिवार को धम्म दीक्षा दिया था। बाद में श्रीलंका नागरिक को धम्म दीक्षा दिया। देवानंग पियतिष्य एक दिन महिंदा बांते को पूछता है, बांते जी, श्रीलंका में जो अभी बौद्ध धम्म आया, आदमी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, लेकिन हमको लगता है ये अभी ऊपर ऊपर है, ये धम्म अभी तक जोर नहीं पकड़ा, मजबूत नहीं हुआ, तो क्या काम करना से श्रीलंका में ये धम्म जोर पकड़ेगा और मजबूत होगा, वो कभी खत्म नहीं होगा, क्या काम करना पड़ेगा इसके लिए। तो महिंदा बांते ने बताया, उन्होंने कुछ सजेशन दिया था राजा को। सजेशन में पहला है, महाराज बांते ने बोलते हैं, महाराज कि मैं तो जम्बूद्वीप से आया, भारत से आया, जम्बूद्वीप से आया, तो अभी भी आपका
इस मिट्टी का, इस देश का भिक्षु अभी तक पैदा नहीं हुआ। तो दम्मा का जोर पकड़ने के लिए इस देश का आदमी को भिक्षु होना चाहिए। हम लोग बाहर से आके ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। आपका इधर का भिक्षु होना बहुत जरूर थे। एक दूसरा है, दूसरा सजेशन दिया महाराज। तो जो बुद्ध का संदेश है, जो बुद्ध का वाणी है, शिक्षा है, वो अपना लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में घर घर तक पहुंचना चाहिए। जीवनामध्ये आपण पारिवारिक जीवन जगतो, सोबतच प्रोफेशनल जीवन जगतो, आणि जेव्हा त्या जीवनातून, प्रोफेशनल जीवनातून आपल्याला निवृत्त व्हायचं असतं, त्याच्यानंतर आपण एक पुढील जीवनाचा ध्यास धरतो। मला वाटतं 60 वर्ष हा फक्त आपला कार्यालयीन सुपरएन्युएशनचा काळ आहे, हा काही रिटायरमेंट जे आपण नॉर्मल म्हणतो तसा नव्हे। आणि म्हणून 60 वर्षामध्ये एक नवीन करिअर आपण सुरुवात करता आहात, आणि आजपर्यंत आपण जे काम पार्ट टाइम करत आला ते आता फुल टाइम करण्याची वेळ, आपल्या फुल टाइम करण्याची वेळ आलेली आहे। मी सरांचे अनेक धम्मदेशनाचे कार्यक्रम पाहिले आणि मला वाटतं की समाजामध्ये धम्मदेशना सोबतच चांगले उपासक आणि चांगले भिक्खू तयार करणं हे धम्माच्या विकासासाठी अत्यंत गरजेचं आहे। आणि म्हणून धम्मामध्ये प्रवाह असलेले, प्रभुत्वशाली असलेले, ज्यांना धम्माचं खरंच नॉलेज आहे, जे दाखले देऊन धम्म समजवू शकतील, अशा प्रकारची गरज आज नक्कीच आहे। आणि म्हणून मला वाटतं की येणाऱ्या काळामध्ये त्यांच्या हातून फक्त धम्मदेशनेचंच काम नव्हे तर धम्मदेशनेसाठी एक मोठ्या आंतरराष्ट्रीय इन्स्टिट्यूशनचं काम सुद्धा त्यांच्या हातून घडावं, जी आमच्या सगळ्यांची इच्छा आहे आणि आम्ही सर्वजण त्याच्यासाठी प्रयत्नशील असणार आहोत। ऑलरेडी त्यांनी प्रज्ञामैत्री प्रतिष्ठानच्या मदत घेऊन हे काम सुरू केलेलं आहे आणि आम्ही सगळेजण उपासक म्हणून त्यांच्या सोबत आहोत। आणि ज्या नागपूर नगरीतून बाबासाहेबांनी धम्मदीक्षेचं काम सुरू केलं होतं, आपल्या सगळ्यांना दीक्षा दिली आणि हजारो वर्षाच्या गुलामगिरीतून बाहेर काढलं, त्याच नागपूर जिल्ह्यामध्ये साहेब आता हे धम्मदेशनेचं काम पुढे नेत आहेत। मी येणाऱ्या काळासाठी साहेबांना परत एकदा शुभेच्छा देतो। वेळ भरपूर झाली आहे आणि आपल्याला अनेक लोकांचं मनोगत ऐकायचं आहे, त्याच्यामुळे मी माझं मनोगत आटुप्त घेऊन आपले 2 शब्द संपवतो। धन्यवाद। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खासकर श्याम तागड़े सर को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मुझे आमंत्रित कर आपके सामने मेरे विचार रखने का मौका दिया। हालांकि ये मेरे स्वयं के विचार रखने का अवसर नहीं है, ये अवसर है श्याम तागड़े सर के बारे में बात करने का। मुझे लगभग 20 साल हुए हैं इस सर्विस में और डजनों की संख्या में रिटायरमेंट के बाद होने वाले फंक्शंस और कार्यक्रमों का हिस्सा रहा हूँ, जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। कभी कभी कहते हैं हम उनका सत्कार समारोह है, विदाई समारोह है, फेयर, अलग अलग नाम उसको हम देते हैं, बट ये अपने आप में अनोखा है क्योंकि ये केवल सामान्य सत्कार समारोह नहीं है, इसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जुड़ा हुआ है, धम्म का विषय। और इस तरह से ये इसे अपने आप का बहुत अनोखा कार्यक्रम बनाता है। श्याम तागड़े सर के का मेरा परिचय बहुत पुराना है। इनफैक्ट एज अ फैक्ट
वो जिस गांव से आते हैं, मेरी मदर उसी गांव से आती हैं, एरंडी जो गांव सबका है। हम लोग जब पढ़ते थे, स्कूल में थे, तो हम उनकी कहानियां सुना करते थे, लार्जली थ्रू माई मदर, कि किस तरह से उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना करे, ग्रामीण परिवेश से उभर कर मेन स्ट्रीम में प्रवेश किया, जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम है, और किस तरह से उन्होंने उन चैलेंजेस को ओवरकम करके अपनी पढ़ाई जारी रखी आगे। NIT जैसे बहुत अच्छे प्रतिष्ठित कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जैसी सेवा में वो आए। वो हमारे लिए और मेरे जैसे बहुत से लोगों के लिए बहुत लंबे समय तक और आज भी प्रेरणा का स्रोत है। मैं मानता हूँ कि किसी व्यक्ति की उपलब्धियों का आकलन वो किस ऊंचाई पर है उससे नहीं होना चाहिए। उस ऊंचाई तक पहुँचने के लिए उस व्यक्ति ने कितना संघर्ष किया उससे होना चाहिए। उसका शुरुआत का पॉइंट क्या था उससे होना चाहिए। और इस लिहाज से मैं मानता हूँ कि आप उन चुनिंदा उन लोगों में से हैं जिनकी उपलब्धियाँ बहुत बड़ी हैं। IAS होना या इस सेवा में का एक सदस्य होना बहुत बड़ी बात नहीं है, सैकड़ों और हजारों की संख्या में है, पर उस सेवा में होते हुए अपने सेवा कार्य और अपनी जो सर्विस की डिमांड है उससे बाहर निकलकर समाज के लिए सोचना और कुछ करना, मुझे लगता है ये उनके व्यक्तित्व के बेहतर पहलुओं में से है। मुझे याद है जब आपकी पहली किताब आपने लिखी और वो प्रकाशित हुई तो मुझे उसको पढ़ने का अवसर मिला। मुझे कहीं से वो किताब मिली और मैंने वो पढ़ी और मुझे लगा कि इतना गहन अध्ययन एक IAS अधिकारी सेवा में रहते हुए एक विशेष विषय पर, खासकर धम्म जैसे विषय पर कैसे कर सकता है। उसके लिए बहुत लगन और प्रेरणा की आवश्यकता होती है। मुझे लगा कि वो बहुत कम लोगों में होती हैं और उसके बाद आप निरंतर उस मार्ग पर चलते रहें। मैं पढ़ रहा था जो छोटी बुकलेट है और आपसे चर्चा के दौरान कई बार ये उल्लेख भी हुआ, 200 से ज़्यादा कार्यशालाएं आपने इस विषय पर की हैं। जब भंते जी बोल रहे थे तो मैं उस बारे में सोच रहा था कि बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न था एक तरह से, कि जिस भूमि में इस धम्म का जन्म हुआ और जिस भूमि से ये धम्म बाकी देशों में गया, उस भूमि में इस धम्म की ये स्थिति क्यों है। पिछले लगभग 2500 वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि जो धम्म है, बुद्ध का धम्म, वो उसकी भूमि से ही विलुप्त सा हो गया और अन्य देशों में फलता फूलता रहा और आज अच्छी स्थिति में है। सबके लिए प्रश्न का विषय है, बट इसके उत्तर भी कुछ हमारे दिमाग में होंगे। ये अवसर उन उत्तर प्रश्नों का उत्तर देने का बिल्कुल नहीं है, पर मुझे लगता है उसका एक बड़ा कारण, जो उन्होंने कहा विनयशीलता की कमी, जो वो भिक्षुओं के संदर्भ में कह रहे थे, मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति के संदर्भ में लागू होती हैं। बुद्ध धम्म को अपना लेना और उसे अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाना दो अलग अलग चीजें हैं। अक्सर जब हम अपने आप को बुद्ध धम्म का अनुयायी बताते हैं, मानते हैं, कहते हैं, तो उसकी जो प्रैक्टिकल वास्तविक जीवन में उसका अर्थ क्या है, उसके मायने क्या है, वो नहीं समझते। अष्टांग मार्ग कहना बड़ा आसान है, पर उसका पालन करना ही उतना ही कठिन। शीलों की हम बात करते हैं, पंचशील पढ़ते हैं, हमारे खासकर जो बुद्धिस्ट बचपन से हैं या जिनके घरों में परिवारों में बुद्धिज़्म रहा है, वो बहुत बचपन से ही पंचशील का पाठ करते हैं, उसे बार बार दोहराते हैं, हजारों बार दोहरा चुके हैं,
बट वास्तविक जीवन में हम में से कितने लोग उसका पालन कर पाते हैं या प्रयास करते हैं, ये बड़ा प्रश्न है। मुझे लगता है कि श्याम सर की जो सबसे बड़ी उपलब्धि में मैं देखता हूँ वो इसी में है कि वे लोगों को यदि ये बता पाएँ, ये समझा पाएँ कि इन शीलों को और इस इन जो जो मार्ग पर, जो मिडल पाथ या अष्टांगिक मार्ग हम कहते हैं, उस पर दैनंदिक जीवन में कैसे चला जाए, उन मूल्यों को हम कैसे अपने दिनचर्या का हिस्सा बना पाए, और यदि ये वो करने में सफल रहे तो मुझे लग रहा है कि ये सब बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। फिर हमें धम्म के प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं होगी। मुझे लगता है कि धम्म या फिर इस तरह के जो आचरण हैं वो एक कंटेजियस डिसीज़ की तरह होते हैं, फैलते हैं, वो छूने से फैलने वाली रोगों की तरह है। अच्छाई फैलती है, बड़ो अच्छाई अपने जीवन में ले आना बहुत बड़ा कठिन काम है, और उस कठिन काम में आप स्वयं लगे हुए हैं इतने लंबे समय से, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपका प्रतिष्ठान जो कार्य कर रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में धम्म का उसके जीवन में पालन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। मैं धम्म को धर्म के रूप में नहीं देखता और इसको प्रचार प्रसार का माध्यम भी नहीं समझता हूँ। मुझे लगता है कि धम्म एक विचार है, एक जीने का तरीका है, ऐसा जीने का तरीका यदि जिसे सब लोग अपना लें, जो बुद्धिस्ट मानते हो या न मानते हो, लेकिन उस विचारों को और उस मार्ग को अपना लें, तो मुझे लगता है राष्ट्र निर्माण का कार्य होगा। यदि शीलों का पालन करने वाले, उसका प्रयास करने वाले भी, और इस अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाला और चलने का प्रयास करने वाले लोगों की संख्या जैसे जैसे इस देश में बढ़ेगी, वैसा वैसा ये देश महान राष्ट्र बनता जाएगा। और मुझे लगता है कि एक तरह से आप जो कार्य कर रहे थे वो आगे चल के बहुत बड़ा स्वरूप लेता है, और मुझे उम्मीद हो लेगा, तो आपका राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान होगा। इस अवसर पर मैं इतना ही कहूँगा कि आपको मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहना बड़ा आवश्यक है, और बंती जी ने आपको वो एक तरह से एक विश किया है, आप स्वस्थ रहें, एक्टिव बने रहें। इस कार्य में यदि मैं कहीं किसी तरह पर किसी माध्यम से उपयोगी होता हूं तो मुझे ज़रूर उसका मौका दीजिए। मैं पुनः आप सबको यहां आने के लिए, मुझे इतने अच्छे से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। श्याम तागड़े जी ने मुश्किल परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों को है चैलेंज लेते हुए, परिस्थितियों का सामना करते हुए बहुत अच्छी शिक्षा हासिल की। नागपुर में ही उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की, और फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC की सिविल सर्विस की परीक्षा में सफल होते हुए IAS में आए। आमतौर पे IAS में आने के बाद 99% लोग जो हैं वो समाज से टूट जाते हैं, समाज से दूर हो जाते हैं, पर वो ऐसी एक प्रतिभा के धनी हैं श्याम तागड़े जी के, दूर बिल्कुल नहीं हुए बल्कि समाज में पहले से ज़्यादा उनकी रुचि हुई। अपनी नौकरी में उन्होंने विभिन्न पदों पर काम किया है, कलेक्टर रहे हैं, डायरेक्टर भी रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं, रेवेन्यू विभाग में भी काम किया है, फिल्म एंड टेलीविज़न विभाग में भी काम किया है, होम विभाग में भी काम किया है। उन्होंने अपने सरकारी अहदों पर रहते हुए जिस निष्ठा और ईमानदारी से काम किया वो एक अनुसरणीय वार्ता है। उनमें जो संवेदनशीलता है अपने काम के प्रति वो बहुत विशेष है, और उनके जो व्यवहार है उसके व्यवहार में जो एक सहजता है, एक ठहराव है, एक गहराई है, ये बहुत कम लोगों में आती है। ऊंचे पद पर रह के लोगों को बहुत
गुमान हो जाता है, एक तरह की एक फाल्स प्राइड आ जाता है जिसमें वो फंस जाते हैं, वो उनमें बिल्कुल नहीं। वो हमेशा ही हर व्यक्ति के लिए एक्सेसिबल रहे हैं, जनसाधारण के लिए मैं उन लिए उनके पास पहुंच रही है। उन्होंने प्रशासनिक पदों पे काम जो किया है, हर विभाग में अपनी एक पहचान बनाई और विभाग को अच्छा करने की कोशिश की, जिसमें बहुत हद तक वो सफल भी हुए। उन्होंने महाराष्ट्र की जनता का, महाराष्ट्र की सेवाओं का बहुत अच्छा अपने आप को योगदान दिया है, और जो उनके साथ जिन्होंने काम किया है, मैं उन लोगों से भी इंटरेक्ट किया हूँ, जो विभाग के लोग हैं, वो उन्होंने भी में भी उनकी एक भरी अच्छी प्रतिष्ठा है कि उनके साथ कैसे एक टीम के तौर पे, एक संगठन के तौर पे, एक अच्छे कंसाशन में रहते हुए उनके साथ काम किया, जे कि एक अपने आप में एक बहुत अच्छी उदाहरण है। उन्होंने अकेला अपने पद पर रहते हुए सरकारी काम तो किया, साथ में उन्होंने गहरी दिलचस्पी सामाजिक कार्यों में दिखाई है। उन्होंने IAS में आने के बाद, एक जो होता है कि शिक्षा सिर्फ एक बार नौकरी हासिल करने तक नहीं है, उससे आगे भी हमेशा शिक्षा को जीवन भर शिक्षा ग्रहण करते रहना चाहिए। उन्होंने समाज शास्त्र का गहन अध्ययन किया, पाली भाषा में उन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की, और बुद्ध धर्म का जो साहित्य है उसका गहरा अध्ययन किया, बाबा साहब के विचारों का और उनकी जो राइटिंग्स हैं उनका गहरा अध्ययन किया, जो और सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हमारे महापुरुष हैं उनका गहरा अध्ययन किया, जिसके उनकी प्रतिभा एक बहुत ही एक मैं समझता हूँ, अगर कहूँ कि प्रकाश का पुंज ऐसी होती है जिससे प्रकाश निकलता है विचारों का, इस तरह की उनकी प्रतिभा बन गई है। उन्होंने सामाजिक कार्यों में, धर्म के कार्यों में विशेष रुचि लेते हुए लगातार काम किया। कभी उन्होंने ये नहीं महसूस किया कि मैं अब अफसर बन गया हूँ, बहुत ऊँची पदवी पर हूँ, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। मुझे लगा कि उनको ये लगा कि जितना मैं सरकारी पदवी पर ज़्यादा काम कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा काम मुझे सामाजिक काम और धर्म का काम करना चाहिए, और वो करते रहे हैं। वो एक सफल लेखक भी हैं, उन्होंने बाबा साहब के बुद्ध धर्म पे जो उनका मिशन है उस पर एक बहुत अच्छी, कई 600 पन्नों की एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है, जिसको मैंने पढ़ा है, मुझे उन्होंने दी थी। ये इस तरह की जो क्वालिटीज़ हैं, इस तरह के जो गुण हैं, वो बहुत कम लोगों में होते हैं। वो इस गुणों के बाद उनमें कभी भी कहीं ये कोई इस तरह की वो नहीं आया कि मैं बहुत वो हो गया हूँ, कोई बड़ा व्यक्ति हो गया हूँ। उनमें वही निम्रता रही है, ह्यूमिलिटी है। उनकी ह्यूमिलिटी जो है उसने उनको उसको ज़मीन से, धरातल से जोड़े रखा है, और जो व्यक्ति धरातल से जुड़ा हुआ है वो समाज का काम सबसे अच्छी तरह कर सकता है। तागड़े जी ने, जैसे मैं कल बात कर रहा था कि ये प्रण किया है कि वो आगे भी, वो रिटायर नहीं हुए हैं, सिर्फ उनकी एक जो सरकारी जिम्मेवारी है वो पूरी हुई है, वो उतने ही एक्टिव रहेंगे और समाज के लिए उतना ही काम करेंगे। मुझे उन्होंने एक ब्लूप्रिंट बताया है कि वो कैसे, पहले तो उन्होंने प्रज्ञा मैत्री प्रस्थान बना रखा है कि कैसे उनका विचार है शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का, धर्म के क्षेत्र में काम करने का। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना काम उन्होंने अब तक किया, जबकि सरकारी नौकरी में रहते हुए पता है कि बहुत तरह की सीमाएं होती हैं, बंधन होते हैं, नियम होते हैं, तो आपके काम करने की जो क्षमता को थोड़ा सीमित करते हैं। अब वो बंधन नहीं है, अब वो क्षमताएं नहीं हैं। मुझे उम्मीद है कि वो बहुत ऊंची उड़ारी लेंगे, उनके विचार बहुत ऊंची उड़ारी लेंगे, और उनके काम हैं वो भी बहुत ऊंचाई तक जाएंगे, और हमें
उनको ये नहीं समझना चाहिए कि वो 60 साल के हो गए हैं जहाँ वो रिटायर हो गए हैं, ये हमें दिमाग से बात निकाल देनी चाहिए। व्यक्ति को काम करने के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं है, जहाँ भी हो जिस उम्र में भी हो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने बहुत उम्र में लेट जाकर बहुत अच्छे काम किए हैं। तो हमें तागड़े जी से ये उम्मीद है कि वो व्यक्तिगत तौर पे अपने आप को ठीक रखते हुए, अपने परिवार को ठीक रखते हुए, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए, अपने जो उन्होंने ब्लूप्रिंट बनाया है उसको बहुत आगे बढ़ाएंगे। हम उनके हमेशा जिस तरह तक भी सहयोग मेरे से मांगेंगे या हमें इंडिकेट करेंगे, हमेशा उनको सहयोग हम देंगे, ताकि ये धम का और समाज का कार्य बहुत आगे बढ़ता जाए। ये जो फ्रीडम अब उनको मिली है, मैं इसको फ्रीडम कह सकता हूँ क्योंकि सरकारी नौकरी में बंदिश होती है, ये फ्रीडम को इसको पूरी तरह यूटिलाइज करना चाहिए। अपनी क्षमताओं को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी कॉम्पिटेंस को पूरी तरह विकसित करते हुए, ताकि वो कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस समाज के काम आए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम आए। उन्होंने बताया है कि शिक्षा के क्षेत्र में विशेष काम करेंगे। समो बुद्धाय सप्रेम जय भीम। माननीय श्याम तागड़े साहेब IAS अपर मुख्य सचिव निवृत्त यांनी बौद्ध धम्म पालनासाठी आणि धम्म प्रचारासाठी केलेल्या कार्यानिमित्त मानपत्र व नागरी सत्कार। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत असताना बुद्ध धम्माची खरी ओळख आणि शिकवण देण्यासाठी, धम्म पालनार्थ आणि प्रचारासाठी आपण जे अथक परिश्रम घेत आहात त्याबाबत आयुष्यमान श्याम तागड़े साहेब IAS अपर मुख्य सचिव निवृत्त गुणगौरव सोहोड़ा समितितर्फे हे मानपत्र आपणास देण्यात समिति धन्यता मानत आहे। तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्धम आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांनी प्रेरित होऊन आपण शिक्षणाची कास धरीत आणि त्यातून आपले व्यक्तिमत्व साकारले आहे। गोंदिया जिल्ह्यातल्या मोरगाव अर्जुनी तालुक्यातल्या एरंडी गावासारख्या दुर्गम मागास गावात अति अशिक्षित आईवडिलांच्या पोटी जन्म घेऊन केवळ बाबासाहेबांच्या प्रेरणेने शिक्षणात अव्वल भरारी घेऊन 12वीत जिल्ह्यात प्रथम येऊन आपण ज्ञान संपादनाचा जो कळस गाठला त्याला तोड नाही। आपण गोंदिया भंडारा जिल्ह्यातील पहिले IAS असूनही आपल्या साध्या निर्भवी स्वभावाने बौद्ध धम्माच्या प्रगाढ अध्ययनाने आणि त्यातून जनसामान्यांना केलेल्या प्रबोधनाने आपण नेहमीच प्रभावित केले आहे। प्रसंगी स्वतःचे हित न जोपासता प्रशासनातील जातीय मानसिकतेच्या धेडाने आपणास अवरुद्ध करूनही व आपल्या वैयक्तिक प्रगतीत आणि पदस्थापनेत खीळ घातली असूनही आपण बौद्ध धम्माचा ध्यास प्रचार प्रसार सातत्य कधी ढळू दिले नाही। अष्टांगिक मार्गाचे स्वतः पालन करून धम्म बांधवांना शिक्षित आणि दीक्षित करून आपण धम्मासाठी अविरतपणे झटत आहात। प्रशासनात असताना अनुसूचित जाती आणि जमाती साठी भरीव कामगिरी करून सामाजिक न्याय विभागास आपण भ्रष्टाचार मुक्त केले आहे। आपली न्याय प्रतिष्ठा, परखड आणि सत्यवादी भूमिका आणि स्पष्टतेपणा या गुणांचा आपण नेहमी प्रत्यय आणून दिलात। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मिशनला पूर्णपणे समर्पित होण्यासाठी आपण निरंतर प्रयास करीत आहात। त्यासाठी आपण धम्मावर इंग्रजी आणि मराठी भाषेत ग्रंथ निर्मिती केली आहे। बौद्ध धम्म पालन प्रचार कार्य आपण असेच निरंतर सुरू ठेवावे अशी आमची अपेक्षा आहे। बौद्ध धम्माचा निरलसपणे व निस्वार्थपणे प्रचार व प्रसार करण्यासाठी माननीय आयुष्यमान श्याम तागड़े साहेब IAS अपर मुख्य सचिव निवृत्त गुणगौरव सोहळा समितीतर्फे आपणास हे मानपत्र प्रदान करताना अति आनंद होत आहे। भवतु सब्ब मंगलम। धन्यवाद। ये स्वाभाविक है कि जब मैं 60 साल की उम्र का हुआ और महाराष्ट्र शासन की में जो मैं काम करता, भारतीय प्रशासनिक सेवा से
सेवा में, तो वो मेरा अवधि खत्म हुआ तो एक महत्वपूर्ण ये इवेंट होता है कोई भी व्यक्ति के लाइफ में, तो ये जब इस स्थिति तक मैं जब आया तो स्वाभाविक है कि मैं भी मेरी जो ज़िंदगी है, मेरी 60 साल की आयु तक की जो ज़िंदगी बीती उसके बारे में व्यक्ति स्वाभाविकता से ही सोचता है। तो जब मैं ये सोचता हूँ और जब मैं मेरे जीवन की तरफ देखता हूँ तो मुझे मेरे जीवन में बहुत यश भी मिला, जो जो मैंने चाहा और जो जो हासिल करने की मेरे मन में इच्छा निर्माण हुई वो हासिल मैंने किया है आज तक। और पर एक मेरे जीवन की ये भी मैं विशेषता मैं देख रहा हूँ कि मेरे जीवन में संकटों की मालिका है, जैसे फूलों की मालिका होती है वैसे अनेक संकटों की मालिका है, पर वो संकटों की मालिका जो है वो मुझे मेरा जो ध्येय है और मेरा जो उद्दिष्ट है और मेरा जो समर्पण है उसको ठेच नहीं पहुंचा सके, तो इस बात का मुझे बहुत आनंद होता है। और जब से मैं अष्टांग मार्ग का पालन करने लग गया 1999 से, 1999 सितंबर 1999, तो पिछले 23 साल से जब मैं अष्टांग मार्ग का पालन कर रहा हूँ और अष्टांग मार्ग के पालन में मेरी निरंतर जो प्रगति हो रही है उसके कारण मेरे मन में जो संयम निर्माण हुआ है और उससे संकटों से सामना करने की जो ताकत मिली है, और जो बुद्ध ने कहा है फुट्टस्स लोक धम्मे चित्तं यस्स न कंपति अशोकं विरजं खेमं एतं मंगलं उत्तमं, तो कहने की बात यह है कि जो 8 प्रकार के लोक धम्म हमें स्पर्श करते हैं, यश भी स्पर्श करता है, अपयश भी स्पर्श करता है, निंदा भी स्पर्श करती है, प्रशंसा भी स्पर्श करती है, सुख और दुख भी स्पर्श करता है, लाभ और नुकसान भी स्पर्श करता है, तो हर व्यक्ति को ये 8 लोक धम्म हमेशा स्पर्श करते रहते हैं। और जो व्यक्ति ये लोक धम्म जो प्रतिकूल है ये लोक धम्म का स्पर्श होने के बाद भी अपने मन को कंपित नहीं होने देता, चित्तं यस्स न कंपति अशोकं विरजं खेमं, तो उसके जीवन में शोक नहीं आता अशोक, और हमेशा वो अपना मन सीमित रख के अपनी प्रगति कर सकता है। तो भाइयों बहनों, मैंने ऐसा समझता कि मैंने बहुत कुछ हासिल किया, मुझे और बहुत कुछ हासिल करना है, तो मेरे में अहंकार भी नहीं है, या मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत कुछ पाया है, पर सच बात यह है कि मुझे ये सच भी है कि जब से मैं अष्टांग मार्ग का पालन करने लगा हूँ 1999 से 23 साल में, तो बहुत मैं आगे गया हूँ। और धम्म के पालन से मुझे बहुत लाभ भी हुए है, और कठिन प्रसंगों का सामना करने की जो मेरी क्षमता निर्माण हुई है इसी के कारण हुई है। तो इसीलिए मैं आपको ये बातें बताना चाहूँगा, कुछ बातें मैं आपके आगे रखना चाहूँगा। तो मेरा जीवन जब शुरुआत हुआ तो अभी कुछ लोगों ने मुझे बताया, इन्होंने सम्मान पत्र भी मुझे दिया, तो उसमें भी लिखा था कि मेरा गाँव छोटा सा, सही में हम पैदल ही चलते थे, मैं स्कूल में जाता तो पैदल जाता था, 5 किलोमीटर पैदल जाओ, 5 किलोमीटर पैदल आओ, है ना। मुझे समय पे क्या कपड़े भी नहीं मिलते थे, किताबें भी नहीं मिलती थी, यहाँ तक मैं जो आया हूँ इसका कारण एक ही है, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी का जीवन मेरे आगे था, उनका जो जीवन है महान जीवन जिसकी तुलना आज के इस विश्व में बहुत ही कम जीवनों के साथ की जा सकती है, तो बाबा साहब का जो महान आदर्श था, उनका जो नीतिवान जीवन, उनका शील पालन, उनका ज्ञान, ये बातों का मेरे ऊपर मेरे आगे एक आदर्श था, और इसीलिए वो आदर्श को आगे रखकर पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, ये सोच सोच कर ही मैं आगे बढ़ा। ये इन्होंने बताया कि मेरे माँ बाप तो पढ़े लिखे नहीं थे, पर मेरे माँ बाप से मुझे बहुत कुछ मिला, प्रामाणिकता बोलते हैं ना, ऑनेस्टी,
ऑनेस्टी, ये जो सद्गुण है जो आपको हमेशा एस के तरफ ही लेके जा सकता है। तो वो जो बात है वो बात मैंने सीखी और उसका मुझे बहुत लाभ हुआ। और मैं पढ़ाई में पहले से ही कक्षा में पहला आता था, अव्वल क्रमांक लाता था, होशियार था। तो मुझे बहुत सारे मेरे जिलों के बहुत सारे मेरे बाद में पढ़ने वाले लोग आज भी जानते हैं। और ऐसे परिस्थिति से आया था, मैं 9वीं कक्षा में पहली बार भंडारा पढ़ने आया। एक गवर्नमेंट हॉस्टल में मैंने ये लिया था, प्रवेश लिया था, कि मुझे पता चल गया था कि अच्छे होनहार लड़कों के लिए, जो लड़के होनहार है उनके लिए गवर्नमेंट के हॉस्टल्स है। तो मुझे पता चला तो मैंने वहाँ अर्जी दाखिल की थी, तो मुझे प्रवेश मिल गया। तो मैं भंडारा में पहले आया, पहले तो छोटे गांव में पढ़ता था, 9वीं कक्षा में आया। तो जब स्कूल शुरू हो गई, तो तो क्या करते थे कि वो टीचर जो आते थे, पूरा टाइम टेबल आने को रहता था, आठ क्लासेस होते हैं। तो टीचर पिछले साल के मैथमेटिक्स इंग्लिश वगैरह वही बहुत सारे प्रॉब्लम देते थे छुड़ाने के लिए। वो तो मैं बहुत जल्दी सबसे आगे सबसे पहले सॉल्व कर लेता था। तो उनको बड़ा आश्चर्य होता था कि ये गांव से आया लड़का ये कैसे कर सकता है, क्योंकि जब भंडारा में गया तो वहाँ सब तरह के लड़के थे, सभी समाज के सभी स्तर के लड़के थे। पर उसमें भी मैं जो आगे था, तो वो टीचर हम बोलते थे कि तुम कैसे कर पाते हो, तुम तो अभी अभी शहर में आए हो। पर मुझे एक लगता है, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, पता नहीं, देखो हर एक व्यक्ति में लैटेंट वैल्यूज होती है, टेंडेंसी होती है, स्वभाव होता है। मैं क्या करता था, गांव में भी था, अगर 7वीं कक्षा में गया तो जब तो 7वीं की किताबें और जब छुट्टियां होती हैं 2 माह में, उसमें से उसमें खरीद के हर एक विषय के 5-6 जो चैप्टर्स है वो मैं खुद ही पढ़ लेता था और उसका अभ्यास कर लेता था। तो ये मैंने बहुत किया, 8वीं 9वीं 10वीं में भी किया। और 12वीं में था तो 12वीं मेरे मन में पूरा ये था कि मैंने मेरिट आना ही चाहिए। और आपको मालूम होगा कि मेरा मराठी था, मराठी और बायोलॉजी, और हमारा पहला अभ्यास था कि जिसमें वोकेशनल कोर्सेज शुरू हुए थे, ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर्स, और जिसमें 100 मार्क का प्रैक्टिकल, और उसमें 98 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं, 90 के ऊपर तो मिल ही जाते हैं, और मराठी में 90 मार्क्स मिलना तो बहुत मुश्किल था। तो इसलिए मराठी की तरफ मैं बहुत ध्यान दिया था। उस वक्त भी मैं खुद ही पढ़ाई किया था, मैंने 12वीं की पूरी पढ़ाई खुद ही की है, न कोई ट्यूशन न कुछ, और क्लास में पढ़ाने के पहले ही पढ़ लेते थे। तो शायद ये पढ़ाई में जो रुचि हुई वो स्वाभाविकता ही निर्माण हो गई, बाबा साहब का आदर्श था ही था। तो उसके बाद में हमेशा खुद पढ़कर समझना और सीखना यही मैंने शुरू किया, यानी 10वीं से हाई स्कूल से ये बात शुरू हो गई, खुद पढ़ो समझ लो और सीखो। तो इसका मुझे बहुत लाभ हुआ ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसे अगर गुण हमारे इसमें आते हैं, बच्चे भी कुछ लाते हैं, कॉलेज पढ़ने वाले, परीक्षा देने वाले, तो उनके लिए बहुत बड़ा लाभ होगा। तो जब मैं शासकीय वस्ती गृह में आया, अभी मैं सामाजिक न्याय का सचिव भी था, ये प्रशांत नारनवरे मेरा आयुक्त था, अभी भी वो है, मैदा तो तबादला हो गया। तो ये जो सामाजिक विभाग चलाने वाले जो गवर्नमेंट हॉस्टल है, इसके तरफ समाज में ध्यान देने की जरूरत है।